हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का एक टॉपिक प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो व्याख्यान में कोशिका के बारे में आपने पढ़ा, आज का टॉपिक उसी टॉपिक को जो पिछला वीडियो था उसी को आगे बढ़ाते हुए कोशिका के भीतर या कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ जिसको जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं उसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में सामान्य जानकारी। कोशिकाओं के भीतर उपस्थित पदार्थ जो होता है उसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका के भीतर उपस्थित जो पदार्थ है उसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, और जो कि एक चयनात्मक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है या कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिका के भीतर उपस्थित पदार्थ जो प्रोटोप्लाज्म है उसको अलग अलग नाम दिए हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के भीतर उपस्थित पदार्थों को अलग अलग नाम दिए हैं। स्लाइडन ने रस, कोशिका रस या जूस, अवपंक अथवा एक प्रकार का गोंद बताया या गम बताया जो कोशिका बाय प्रोडक्ट होता है। किसने? स्लाइडन ने। फेलिक्स डुजार्डिन ने 1835 में इस पदार्थ की विलयता, क्या विलयता एवं रासायनिक गुणों का प्राणियों में अध्ययन कर क्या नाम दिया? सारकोड। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है कि सारकोड नाम किसने दिया, तो सारकोड नाम किसने दिया? फेलिक्स डुजार्डिन ने। और प्राणी कोशिकाओं में पदार्थ की विलयता एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन कर यह नाम दिया। ह्यूगो वान मोहल ने 1846 में वनस्पति कोशिकाओं में, फेलिक्स डुजार्डिन ने तो किसमें अध्ययन किया? प्राणियों में, और मोहल ने वनस्पति कोशिकाओं का अध्ययन कर क्या नाम? नाम सेम है सारकोड, यानी सारकोड की उपस्थिति पादपों में किसने प्रमाणित की? वान मोहल ने। जेई परकंजे ने कोशिका में उपस्थित जो पदार्थ है उस हेतु सर्वप्रथम जीव द्रव्य का प्रयोग किया। जेई परकंजे ने कोशिका में उपस्थित पदार्थ हेतु सर्वप्रथम जीव द्रव्य नाम दिया। हकजल्ले 1865 में जीव द्रव्य को परिभाषित कर बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, और ये प्रश्न भी बहुत बार, यानी यहाँ पर सारकोड नाम आ गया, उसके बाद में जीव द्रव्य नाम किसने दिया? और हकजल्ले ने जीव द्रव्य को परिभाषित कर बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो यहाँ इंट्रोडक्शन से, किसके इंट्रोडक्शन? प्रोटोप्लाज्म के इंट्रोडक्शन से आपके पास में तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारकोड, जीव द्रव्य और जीवन का भौतिक आधार किसने बताया है? हकजल्ले। नेक्स्ट देखिए प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, आप यहां पर प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को देख सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जीव द्रव्य का सिद्धांत किस द्वारा दिया गया है? ओ हार्टविग 1893 ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य कोशिका में पाई जाने वाली जेली समांगी पदार्थ है, यानी ओ हार्टविग के अनुसार या उसके सिद्धांत के अनुसार
के अनुसार जीव द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली समान पदार्थ है जो परिमाण में कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित रहता है, यानी चारों ओर परिसीमित है। किसके द्वारा? परिमाण में कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित रहता है। इसमें एक केंद्रक भी उपस्थित होता है। पहली बात झिल्ली समान पदार्थ, दूसरा झिल्ली द्वारा परिसीमित, तीसरा केंद्रक उपस्थित, और सभी जैविक क्रियाएं या सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। जितनी भी कोशिका में होने वाली गतिविधियां या जो जीव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं, वो कहां संपन्न होती है? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ, आगे इसके बारे में आ रहा है। जीव द्रव्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। क्या? जीव द्रव्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है जिसमें स्वयं की अनेक विशिष्टताएं पाई जाती हैं। ये विशेषताएं जीव द्रव्य का गुण अर्थात जैविक गुण कहलाती हैं, और ये विशेषताएं अथवा गुण ही किसी जीवधारी की विशेषताएं होती हैं। यानी ये विशिष्टताएं अथवा गुण ही किसी जीवधारी की विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में गति, गमन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन एवं आनुवंशिक गुण सम्मिलित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, पहली बात प्रोटोप्लाज्म क्या है? झिल्ली समान पदार्थ जो कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध, उसमें एक केंद्रक, और प्रोटोप्लाज्म में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रोटोप्लाज्म कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का जटिल मिश्रण जिसमें स्वयं की अनेक विशिष्टताएं, और इन विशिष्टताओं को क्या नाम दिया गया है? जैविक गुण। और यही जैविक गुण किसी जीवधारी की विशिष्टताएं होती हैं। और इन विशेषताओं में गति, गमन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन, आनुवंशिक गुण आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट, ओ हार्टविग ने कोशिकाओं का अध्ययन कर, ऊपर इसका सिद्धांत आया, ओ हार्टविग ने कोशिकाओं का अध्ययन कर किसका अध्ययन किया? कोशिकाओं का अध्ययन कर एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कोशिकीय विशिष्टता, अभी अपन ने ऊपर बात की कोशिकीय विशिष्टता, संरचना एवं कार्य प्रणाली के अनुरूप जैविक अणुओं के संश्लेषण का वर्णन किया। क्या? कोशिकीय विशिष्टता, संरचना एवं कार्य प्रणाली के अनुरूप जैविक अणुओं के संश्लेषण का वर्णन किया। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने कोशिका की नई परिभाषा प्रस्तुत की जिसके अनुसार कोशिका क्या है? देखिए, कोशिका किसी सजीव की सबसे सूक्ष्म संगठित इकाई, कोशिका सजीव की सबसे सूक्ष्म संगठित इकाई है जिसमें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता उपस्थित होती है तथा यह उपयुक्त वातावरण में अपने घटकों को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर आपके पास में कोशिका की एक नई परिभाषा सामने आती है। नेक्स्ट देखिए, प्रारूपिक जो कोशिका होती है या प्रारूपिक कोशिका की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टिपिकल सेल। देखिए, प्रारूपिक कोशिका में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? एक प्रारूपिक कोशिका में निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण उपस्थित होना आवश्यक है। पहला, प्रत्येक कोशिका परमाणु अथवा अणुओं को संगठित कर, प्रत्येक कोशिका परमाणु अथवा अणुओं को संगठित कर किसका संश्लेषण करती है? वृद्ध अणुओं का, माइक्रोमोलिक्यूल्स का संश्लेषण करने हेतु। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? बाह्य वातावरण से। प्रत्येक कोशिका अपने जीवन काल में जो माइक्रोमोलिक्यूल संश्लेषित किए गए हैं, प्रत्येक कोशिका अपने जीवन काल में
संश्लेषित वृहत अणु की सूचना। वृहत अणु की सूचना कोशिका विभाजन द्वारा पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका को संचारित करती है। किसको संचारित करती है? पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका को संचारित करती है। कोशिका में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के संपादन हेतु एक आंतरिक वातावरण निर्मित किया जाता है। कोशिकाओं में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के संपादन हेतु एक आंतरिक वातावरण निर्मित किया जाता है। कोशिका में होने वाली विभिन्न घटकीय क्रियाओं का सेल्फ रेगुलेशन किया जाता है। किसमें? कोशिकाओं में। सभी कोशिकाओं में अपने कोशिका द्रव्य के उपापचयों या उपापचयों मेटाबोलाइट्स को सांद्रित करने का गुण भी पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में एवाईवी ग्लाइकोलाइसिस की क्षमता पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में एवाईवी ग्लाइकोलाइसिस की क्षमता पाई जाती है। सभी कोशिकाएं ऊर्जा हेतु किसका उपयोग करती हैं? एटीपी का। और लास्ट जो बिंदु है, सभी कोशिकाएं अपने विशिष्ट लक्षणों की सूचना पुत्री कोशिकाओं को हस्तांतरित या संचारित करती है। तो इस प्रकार से एफटीपिकल जो कोशिका है उसके 8 लक्षण जो उसमें उपस्थित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। देखिए, सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। सारकोड, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा, उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में आपके पास सामने आया था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई, और हार्टविक के द्वारा दी गई प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है, और कोशिका की नई परिभाषा और हार्टविक के अनुसार क्या है, उसके बाद में एक प्रारूपिक जो कोशिका है या प्रारूपिक कोशिका उसमें कौन कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं या होना आवश्यक है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।